टेलीविजन इंडस्ट्री में काफी सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके पास टैलेंट का खजाना ही है और उन्होंने अपने टैलेंट के साथ लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है। मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन सुयश राय की। सो स्वीट, फर्स्टली थैंक यू सो मच, इतनी तारीफ की आप, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, आपका सॉन्ग, आपका एल्बम इतना हिट हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बिकॉज जब भी आप कुछ नया शुरू करते हैं तो यू नो उसमें जब लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है ना तो बहुत ही अच्छा फील होता है। एंड एक्टिंग को एक बैक स्टेप लेके और यू नो सिंगिंग को अपफ्रंट करके जो एक डिसीजन लिया था, थोड़ा डाइसी था इनिशियली कि बिकॉज नहीं पता रहा, क्योंकि यू नो टीवी कर रहे थे 7 साल से और एकदम से डिसीजन लिया कि म्यूज़िक शुरू करनी है, सो ऑब्वियसली रिस्की था, बट ऑन द सेम साइड कॉन्फिडेंस बहुत था, लोगों का सपोर्ट बहुत था, ईश्वर का सपोर्ट बहुत था स्पेशली, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर वेडिंग घर में स्टूडियो बन गया था और मैं 20-20 घंटे स्टूडियो में बैठ रहता था। मैंने पहले 6 महीने शादी की, तो आई हैव हार्डली स्पेंट टाइम विद किश्वर, सो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था। उसने बिल्कुल भी एक और टिपिकल यू नो वाइफ की तरह बिहेव नहीं किया, जहाँ पे आके कि मेरे साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे बाहर नहीं, मुझे जाना है, मुझे ये एंड ऑल दैट, नॉट इवन वंस शी सेड। सो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जब सपोर्ट होता है किसी का, एंड आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ दैट आई कैन सिंग, बिकॉज आई हैव नॉट लर्नड म्यूजिक, एंड ये सिर्फ एक शौक है और आई थिंक गॉड गिफ्ट है जो भगवान ने मेरे को एक आवाज़ दी है गाने का, और शौक है इतना तो उसको अब पैशन से वो प्रोफेशन बन गया है, पैशन अभी भी है बट ऑब्वियसली वो प्रोफेशन भी बन गया है। सो यस, इट्स अ ग्रेट फीलिंग, पहले गाने को इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत सारे अपकमिंग सॉन्ग्स रेडी हैं। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो आई थिंक मैं अगले कुछ आई थिंक 1 महीने के अंदर मैं दे सकूँगा, बट अभी नहीं बोल पाऊँगा उसके बारे में। एंड मैं अपना पहला पंजाब में गाना लॉन्च कर रहा हूँ, दैट्स गोना बी माय लॉन्च इन पंजाब नाउ, मोस्टली अराउंड न्यू ईयर्स 28th-29th के आसपास रिलीज करूँगा, इट्स अ पार्टी सॉन्ग। एल्बम की कर रहे हैं और आपका आवाज सुने बिना तो हम जाएंगे नहीं, तो हमारे इन ठंड पैच वे जदों तेनू वेखदा डरदा है दिल मेरा, दूर ना तू हो जवे, तू ही मेरा चन, तू ही तारा, बेपरवाइया कर ना तू यारा, मैनू तू है जहां तो भी प्यारा, बेपरवाइया कर ना तू यारा, मैनू तू है जहां तो भी प्यारा। क्या बात है, आई लव दिस सॉन्ग। एंड सुयश, इससे पहले भी आपने काफी सारे कई सारे कवर्स भी किए, बट वही दैट्स हाउ म्यूजिक हैपेंड फॉर मी। आफ्टर बिग बॉस हमने कवर्स स्टार्ट किए, मैंने और मेरे फ्रेंड्स Onward Live, you know, and Ashish, Faisal Bhai, all of them, they were, you know, they were a great support. हमने सबसे पहले ए मेरे हमसफर किया था, फिर आया दिल को तुमसे प्यार हुआ। उसमें से कोई एक फेवरेट सॉन्ग अगर एक लाइन? सारे ही हैं, मतलब ये सारे वही हैं ना। ना हम बेवफा है, ना प्यार है कम दरमियां, पर अपनी तकदीरें बिल्कुल ही जुदा, फिर कैसे मिलेगी मंजिल प्यार की, ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की। क्या बात है, थैंक यू सो मच सुयश। और एक नई शुरुआत हो गई है म्यूजिक के साथ, लेकिन एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में आपने पिछले साल की थी, और द टाइम हैज कम, अनदर 1 week, यू नो 1 week टू गो, एंड आई स्वेयर आई थिंक ये वाला साल मेरी जिंदगी का फास्टेस्ट क्विकेस्ट गुजरा है,
सच में नहीं याद कब शादी हुई, कभी एक साल बीता. आई थिंक द बिगेस्ट क्रेडिट इज गोज प्योरली टू किश्वर, बिकॉज आई फील आई सीन इन रिलेशनशिप्स एंड यू नो मैरिजेज व्हाट हैपेंस इज कि जब आपको रिलेशनशिप में स्पेस बहुत ज़रूरी है, तो अंडरस्टैंडिंग यू नो एंड ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है. ये तीन चीज़ें एक रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखती हैं. इनमें से एक भी लूज़ हो जाता है ना तो रिलेशनशिप यू नो गोज़ हेवायर. बट आई थिंक ईश्वर ने मुझे स्पेस भी बहुत दी है, मुझे समझा बहुत है, मुझे ट्रस्ट इतना किया है. तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न. ऐसा सच में ऐसा लगता है कि किसी अपनी फ्रेंड के साथ घर पे रह रहा हूँ यार. प्लान्स किए हैं एनिवर्सरी के लिए, फर्स्ट एनिवर्सरी ईश्वर को कुछ गिफ्ट? बुकिंग्स ऑलरेडी हो गई हैं, बट द पॉइंट इज 16th को मेरा एक शो है गोवा में, बट अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है. बट माई ऑब्वियसली माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज द बुकिंग्स आई हैव डन. इफ नॉट But obviously, Kishore will travel with me to Goa anyway. So either Goa or the other plans which I have. Happy anniversary to you and Kishore. काफी अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you. Virgil Somprakash Kevat के साथ पूजा नवा थे News Nation Mumbai.